सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आप लोग देखोगे भी कल के दिन हमें गिरावट देखने को मिली थी, 5% का एलसी लगा। आज फिर से आप लोग देखोगे 5% का एलसी हमें स्टॉक में लगते हुए नजर आया है। इस शेयर में जो गिरावट हो रही है वो आप लोग देखोगे भी उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। और इस शेयर को लेकर जब ये शेयर आई थिंक 29 के आसपास था, तब मैंने वहाँ पर आपको बोला था भी देखो जिस प्रकार से स्टॉक में रैली बनी है, ठीक है, जिस प्रकार स्टॉक में तेजी बनी है, अब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बन रहे हैं ऊपर के लेवल से, ठीक है। और ये आप लोग देखो क्वार्टर टू से पहले आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको अलर्ट किया कि भाई यहाँ पर आपको जो है सावधानी बरतनी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो शेयर है वो ऊपर के भाव से टूट रहा है। साथ में आप लोग देखो एक तो प्रॉफिट बुकिंग सबसे बड़ा जो खतरा था वो ऊपर मंडरा रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग पक्का होगी स्टॉक के अंदर, जिस प्रकार से स्टॉक 5% के अपर सर्किट लगाते हुए नजर आया था कुछ एक खबरों के चलते। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक को जो ना अभी ASM की फोर्थ स्टेज में एक्टिव किया गया 5 अक्टूबर को, ठीक है। 5 अक्टूबर को फोर्थ स्टेज में एक्टिव करते हैं लॉन्ग टर्म ASM है, तो जैसे स्टॉक फोर्थ स्टेज में गया तो उसका भी स्टॉक के ऊपर प्रेशर रहा। फिर उसके बाद आप लोग देखो उस दिन इतना प्रेशर नहीं आया स्टॉक के ऊपर, जिस दिन 5 अक्टूबर को इसको डाला गया, 6 तारीख को आई थिंक 5 या 6 को जो ट्रेड हुई थी उस दिन, इसमें आई थिंक 2% के करीब हमें जो अभी गिरावट देखने को मिली, ठीक है, 6 तारीख को, हाँ 6 को। तो उसके बाद आप लोग देखोगे 9 तारीख को यानी कल के दिन जो मार्केट के अंदर जो हाल था, इसराइल और जो फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसका असर हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिला। और उसी की वजह से आप लोग देखोगे अकेला यही शेयर नहीं, सभी शेयरों में बिग फॉल था। तो आप लोग देखोगे एक के बाद जो इसके ऊपर प्रहार हुए हैं सब चीज़ों के, उसके चलते स्टॉक के ऊपर हैवी सेलिंग प्रेशर आ चुका है, ठीक है। अब सभी को लगता है कि शेयर बिक नहीं रहे, हम यहाँ से अपने जो शेयर वो बेच कर जल्दी से जल्दी एग्जिट हो जाएं, बाहर निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर अब आप लोग देखोगे स्टॉक में LC लग रहे हैं, तो LC में जिस भी निवेशक ने सबसे पहले अपने ऑर्डर लगाए होंगे, जो कोई भी XYZ जिसका सबसे पहले ऊपर ऑर्डर आया होगा, तो उन्हीं के जो शेयर है वो बिके होंगे, क्योंकि भाई आज जो वॉल्यूम आई है लगभग 3.59 करोड़ के करीब है, तो किसी ने तो स्टॉक बेचे हैं, किसी ने खरीदे इसीलिए इतनी वॉल्यूम आई है, समझे ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखो भाई पीछे का जो माहौल बना हुआ था स्टॉक में, उस माहौल को देखते हुए स्टॉक के ऊपर ये प्रेशर बढ़ते हुए नजर आया ना भाई, ये जाहिर सी बात होना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं स्टॉक में गिरावट के पीछे। नंबर एक प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा स्टॉक को ASM फोर्थ स्टेज में डालना, तीसरा जो ये इसराइल का वॉर है ये, तो इन तीनों के चलते आप लोग देखोगे भाई फॉल रहा है। अब बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन से हमारा क्या वास्ता। भाई इसराइल के साथ आई थिंक $18 बिलियन का होता है ना, $12 बिलियन का व्यापार होता है, ठीक है, दोनों देशों के बीच में, तो उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, तो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है सीधे। अगर रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जब भी मार्केट में बिग फॉल बना था भी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, तो इन सब के चलते बिजनेस पर अगर इफेक्ट आएगा तो स्टॉक के ऊपर जाहिर सी बात है इफेक्ट पड़ेगा। अडानी के बहुत सारे बिजनेस है इसराइल में, तो उसका भी अडानी ग्रुप के ऊपर कल के दिन बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अडानी पावर 3-4.5% के करीब टूटा, तो उन सब का इफेक्ट आता है भाई, ठीक है। तो जैसे रसिया और यूक्रेन का वो रहता ना उस समय, तब भी जो ना अभी बिग फॉल बनते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो हालात है वो सुधरे हैं, इसके भी सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कल के दिन बहुत सारे शेयरों में मार्केट की वजह से फॉल हुआ, तो इसीलिए आप लोग देखोगे आज मार्केट में रिकवरी है, तो उनमें भी रिकवरी आई है। और मैं आपको ये पहले भी बोल चुका हूं, जब भी कभी भी मार्केट की वजह से किसी शेयर में गिरावट आती है तो वो रिकवरी देता है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका चार्ट वगैरह देख लेते हैं। वैसे तो स्टॉक 5% के जो LC उसमें लोग होते हुए नजर आए, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हावी है, तो स्टॉक में ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन देखो भी मेरी तरफ से बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च और जो एनालिसिस है वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, 3.5 करोड़ के आसपास तो वॉल्यूम आई है, तो आगे क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी के टाइम जिसके ऊपर सेलिंग प्रेशर है वो कितना है। देखो भाई स्टॉक ओपन हुआ, ठीक है, 26.50 रुपये पर ओपन हुआ ना, उसके बाद जो शेयर है ऊपर में गया 27.40 तक, फिर स्टॉक नीचे LC में लोक होते हुए नजर आया, ठीक है, अभी के टाइम LC में लोक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी लगभग 84,49,000 क्वान्टिटी के आसपास के एक सेल ऑर्डर है, ठीक है। आपको पता है भी जब ऑपरेटर आते हैं ना भी एक झटके में इतना हैवी क्वांटिटी में माल उठा लेते हैं, स्टॉक को एकदम से अपर सर्किट की तरफ ले जाते हैं, आपने देखा भी होगा पीछे भी। तो यहाँ पर 84,49,000 के करीब जो ना भी एक सेलिंग ऑर्डर है, उसके बाद आप लोग जो डिलीवरी पोजिशन है आज के दिन का 9 तारीख का, ठीक है, जो शेयर ट्रेड हुए हैं NSE के अंदर, सॉरी कल के दिन का, और वहाँ पर जो शेयर उठाए गए थे वो 49% के करीब डिलीवरी उठी थी 9 तारीख के दिन, तो डिलीवरी ठीक ठाक उठते हुए नजर आई थी। तो चलिए भी एक बार इसका चार्ट और देख लिए वहाँ पर क्या सपोर्ट वगैरह बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुजलॉन एनर्जी के रिगार्डिंग जो अपडेट्स आते हुए नजर आए थे वो मैंने आपके साथ जरूर साझा किए, कभी भी कोई भी अपडेट आई हो। तो यहाँ पर जो सपोर्ट वगैरह देखो भी मैंने पहला आपको क्या बोला था, 28.25 रुपये का,
ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड सपोर्ट था 27 रुपये का, वो भी टूटते हुए नज़र आया है। उसके बाद आप लोग देखो अभी ट्रेंड लाइन के नीचे में सपोर्ट क्रिएट हो रखा है, ठीक है। अभी के टाइम जो सपोर्ट है वो आप लोग देखो कि सपोर्ट इसका जो ना अभी यह तो आप इसे यहाँ पर पकड़ के चल सकते हो, जो 2460 के आसपास का है, जो 2450 के आसपास, ये भी मैंने आपको पीछे बोला था। लेकिन जो नीचे में सपोर्ट है वो 21 रुपये 50 पैसे, तो ये इसके सपोर्ट बन रहे हैं, इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अभी आप लोगों के क्वार्टर 2 के नंबर भी आने वाले हैं, उससे पहले अगर आंकड़े वगैरह आते हैं तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ आएगा, जैसे कोई अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।